आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और ये बीएड का कोर्स है और ये इसका कोर्स कोड नंबर 8601 है और हम इस वक्त चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम लेसन प्लानिंग है इसको करने जा रहे हैं। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है। ये है अ लेसन प्लान इज़ अ डिटेल प्लान ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। यानी कि लेसन प्लान जो है ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलरली क्लास के हिसाब से समझेंगे। आगे है आ टीचर्स इफेक्टिवनेस इज़ यूजली जज्ड बाय द एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग। यानी कि जो टीचर है इसका काम होता है कि वो इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए कि जो है पूरी की पूरी उनकी जो लर्निंग है और जो जो उसका डिज़ाइन है वो पूरे का पूरा स्टूडेंट्स के समझ आ सके। आगे है टीचिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट फॉर्म्स ऑल कम्स टुगेदर इन द लेसन प्लान विच आइडियली फैसिलिटेट्स स्टूडेंट लर्निंग। यानी कि स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटेट करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव उसके मेथड्स और उसके असेसमेंट जो है वो एक लेसन प्लान के ज़रिए ही एक टीचर बनाता है। आगे है अ गुड लेसन प्लान कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बीइंग यूज इन अ पर्टिकुलर क्लास टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग। यानी कि जो लेसन प्लान है एक अच्छा लेसन प्लान वही होता है जो कि डिस्क्राइब करे अप्लाई करे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को पर्टिकुलर क्लास के लिए और डिफरेंट लेसन्स के ज़रिए। आगे है जी द टीचर डिस्कवर द सिस्टम डैट वर्क्स बेस्ट विद डम। यानी कि टीचर जो है वो काम करे जो उसको लगता है उसके लिए उसकी क्लास के लिए बेहतर हो सकता है। आगे है दिस यूनिट डील्स विद द एलिमेंट ऑफ लेसन प्लान इट हाईलाइट्स द स्टेजेस इन्वॉल्व इन लेसन प्लान। यानी कि जो यूनिट है ये हमें एलिमेंट्स बताएगा लेसन प्लान के कौन से इस्तेमाल करने और हाईलाइट करेगा स्टेजेस को लेसन प्लान की जो कि इन्वॉल्व करके हम स्टूडेंट्स को जो है अच्छी तरह क्लास में पढ़ा सकते हैं। आगे है इन द एंड स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग अ लेसन हैज़ बीन डिस्कस। आखिर में जो है वो हम लेसन प्लान को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के वो ये हैं। वो नंबर वन पे ये है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। नंबर सेकेंड पे हमारे पास है रियलाइज द नीड ऑफ प्लानिंग अ लेसन। क्यों हमें लेसन प्लान की ज़रूरत है? पहले हमने अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने कंसेप्ट लेसन प्लान का, फिर हमने रियलाइज करना है। नंबर थ्री पे हमारे पास है अंडरस्टैंड द स्टेजेस इन्वॉल्व इन लेसन के लेसन प्लान के लिए कौन सी स्टेजेस का जो है वो ज़रूरत है। नंबर फोर पे हमारे पास है डिस्क्राइब डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लेसन। हम देखेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या है लेसन प्लानिंग की। फिर है नंबर फाइव पे प्लान अ कोर्स एंड अ यूनिट। कैसे एक प्लान एक कोर्स को हम करते हैं और एक यूनिट को। फिर है नंबर सिक्स पे प्लान वीकली एंड डेली लेसन। कैसे वीकली और डेली लेसन बनाते हैं। नंबर सेवन पे हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। कौन से फॉलोइंग स्टेप हैं जो लेसन प्लान में होते हैं। तो आए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले नीड ऑफ लेसन प्लानिंग। इसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जी अ लेसन प्लान इज अ रोड मैप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। यानी कि एक रोड मैप बनाते हैं, ये एक एड्रेस समझ लें आप, ये हमें देता है एक लेसन प्लान किसी जगह पे पहुंचने का। फिर इट शोज व्हाट विल बी द टीचर एंड हाउ इट विल बी डन इफेक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। यानी कि क्लास की होते हुए एक टीचर जो है किस तरह से इफेक्टिवली अपने लेक्चर को इन्हांस कर सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट को पढ़ा सके। इसमें क्या है जी टीचर्स रिक्वायर अ लेसन प्लान टू डिस्क्राइब देयर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वन क्लास। यानी कि जो लेसन प्लान है वो डिस्क्राइब करेगा एक कोर्स के इंस्ट्रक्शंस के बारे में जब वो क्लास को दे रहा हो। फिर है जी लेसन प्लान इज़ बेनिफिशियल फॉर द टीचर्स इन मैनी वे सच एज। टीचर्स के लिए लेसन प्लान बना बहुत ही फायदेमंद है जैसे कि इट हेल्प इन अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड सेम कैन बी सेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि यह चीज़ दोनों टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए जो है मुस्तफ़ीद है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्लास के। इसमें क्या है इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स और अवॉइड देम। यानी कि इससे प्रॉब्लम्स जो है उनको अवॉइड किया जा सकता है आसानी से। फिर इट गिव अ रियल चांस रियल चेक ऑफ एवरी डे परफॉर्मेंस। हर दिन की परफॉर्मेंस का भी इससे जो है
वो जायजा लिया जा सकता है आगे. इट इम्प्रूव्स द हैबिट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स की हैबिट्स और उनके एटीट्यूड को भी जो है वो समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. आगे इट इम्प्रूव द टीचिंग स्किल्स, इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे हमारे टीचिंग स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव होते हैं. आगे है इट मेक्स टीचर ऑर्डनरी एंड ईजी, ये हमारी जो टीचिंग का जो स्टाइल है इसको वो आसान और फायदेमंद बनाता है. आगे स्टूडेंट्स चलते, ये है जी प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग. ये है फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर नीड्स टू आइडेंटिफाई द लेसन ऑब्जेक्टिव फॉर द क्लास, देन डिजाइन अप्रोचेस, लर्न एक्टिविटीज एंड डिवेलप स्ट्रेटजीज टू ऑब्टेन फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट की लर्निंग और उसके फीडबैक को समझने के लिए पूरी का पूरा डिजाइन एंड ऑब्जेक्टिव को जो है उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और उनकी एक्टिविटीज को लर्न करने के लिए पूरी की पूरी अप्रोचेस और उनके फीडबैक को जो है इस लेसन प्लान में तैयार किया जाता है. आगे अ सक्सेसफुल लेसन प्लान एड्रेस एंड इंटीग्रेट्स डीज थ्री की कम्पोनेंट, इसमें थ्री कंपोनेंट्स को जो है वो जो नीचे मंदरजा झैल है उनके बारे में उसको रख के बनाया जाता है. सबसे पहले क्या जी ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टूडेंट लर्निंग, नंबर सेकंड पे क्या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, नंबर थ्री पे क्या स्ट्रेटजीज टू अचीव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, के स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को उनकी टीचिंग और ऑब्जेक्टिव को इन तीनों को देखा जाता है. आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जी प्री प्लान स्टेज, ये क्या है जी बिफोर टीचिंग द टीचर हैज़ टू थिंक अबाउट द लेसन प्लान फॉर पर्टिकुलर क्लास. एक जब वो एक क्लास को एक टीचर पढ़ाए तो सबसे पहले उसको क्या किया, लेसन प्लान उसके हिसाब से जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिज़ाइन अ लेसन प्लान, कैसे उसे डिज़ाइन करना चाहिए इसके बारे में हम समझ रहे हैं. वो है जी देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स टू द लेसन प्लान दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज, वो कौन से हैं. देयर इज वराइटी अमंग द कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दीज मे नॉट बी यूज इन एवरी क्लास बिकॉज सम प्लान्स मैनी स्प्रेड आउट ओवर द टू और मोर क्लासेज. इसमें क्या है जी नंबर वन पे क्या होना चाहिए लेसन प्लान में, इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए. द इंट्रोडक्शन इज अ वे टू वार्म अप स्टूडेंट्स, टू ईज देम इन टू अ क्लास एंड टू गिव देम अ कंटेंट फॉर विच दे आर एबल टू लर्न, यानी कि कंटेंट ऐसा हो जिससे वो अपनी जो 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 लेसन दिया जा रहा है वो समझ सके. नंबर सेकेंड पे क्या है जी डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज इट डिस्क्राइब अबाउट टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल मैथड सच एज लेक्चर्स, डिस्कशन, लैब्स, ओबली कोलेबरेटिव लर्निंग एटसेट्रा, यानी कि उनकी लैब्स कोलेबरेटिव लेसन और ये सारी चीज़ें जो उसमें मौजूद होनी चाहिए. आगे जी कंक्लूजन, प्लानिंग ऑफ हाउ इट टू टाई इट टुगेदर फॉर द स्टूडेंट्स इन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टेल दैम वंस अगेन वट डे वुड लर्न एंड वट इट इट इम्पॉर्टेंट टू डैम, क्या उनके लिए अहम तरीन है और क्या उनके लिए आम तरीन है, ये सारे का सारा प्लानिंग के लिए पहले प्लानिंग के अंदर तैयार करना चाहिए टीचर को. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी इसकी फर्दर इसी लेसन प्लान के डिज़ाइन को देखते हैं. ये है कि आस्क फॉर क्वेश्चन द लेसन फ्यू मिनिमाइज ऑफ क्लास आर एन एक्सीलेंट टाइम टू हैव स्टूडेंट्स रेज क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर द आइडिया ऑन देयर ओन, यानी कि इसमें जो उनका आइडिया और एक्सप्लोर है इसको जो है देखा जाता है. आगे नंबर आगे है जी हमारे पास समरी, समराइज द मेन पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू द कोर्स, यानी हम ये समराइज करते हैं देखते किस तरह वो रिलेट करते हैं कोर्स के हिसाब से. आगे जी नेक्स्ट लेसन वो है जी अगेंस्ट दिस शोज रेलिवेंट टू द लेसन लिंक टू वन एन अदर एंड हेल्प स्टूडेंट्स डिवेलप अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है इसके बारे में भी जो है ये लेसन प्लानिंग की जाती है कि नेक्स्ट लेसन क्या होगा, उसे लिंक कैसे उसका होगा. फिर है जी हमारे पास रेसिप्रिटलाइज और 1 मिनट राइटिंग अबाउट अ थॉट लेसन, यानी कि लेसन प्लान के जो है एट दी एंड उसकी कंक्लूजन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है. आगे हम चल रहे हैं स्टूडेंट, ये है जी द पोस्ट प्लानिंग स्टेज, ये है दिस असेसमेंट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इन्फॉर्म्ड फॉर, यानी कि बड़ा जो है ये जो है ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसके अंदर हमने असेस करना होता है और जो फॉर्मल टास्क के हिसाब से हमें इसे सिंपल जो है रखना पड़ता है. फिर है जी फॉर इंस्टेंस
यूजिंग पार्ट ऑफ द क्लास टू लेट स्टूडेंट्स वर्क ऑन प्रॉब्लम्स यू हैव गिवन देम, यानी कि प्रॉब्लम्स उनके क्या है उसको समझना चाहिए एक टीचर को, फिर और उसके हिसाब से काम बनाना चाहिए, फिर डिस्कस इश्यूज एंड अप्लाई कंसेप्ट कैन गिव यू अ गुड सेंस ऑफ व्हाट एंड हाउ मच दे, यानी कि उनका कंसेप्ट और किस तरह से वो काम करें, फिर हाउ हैव लर्न कैसे लर्न करें, द 1 मिनट राइटिंग अबाउट अ लेसन और हाउ वर्क प्रॉब्लम कैन बी सिंपली हेल्पफुल, यानी कैसे वो सिंपली हेल्पफुल हो। आगे स्टूडेंट समझ लीजिए जी, अप्रोचेस टू लेसन प्लान, इसमें क्या देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लेसन प्लान, इसमें क्या है द कॉमन स्टाइल ऑफ लेसन प्लान कंटेन्स द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स, इसमें क्या है जी 3 to 5 लेसन ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 से 5 जो लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव, फिर कंटेंट टू बी कवर, उसमें कंटेंट कौन सा हम कवर करेंगे, फिर आएगा जी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, लेक्चर गिव ग्रुप वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, यानी कि लेक्चर हो ग्रुप वर्क हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें एक्टिविटीज़ हो, फिर है जी रिसोर्सेज एंड मटेरियल नीड्स इंक्लूडिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि रिसोर्सेज एंड मटेरियल नीड्स और से इंक्लूडिंग टीचिंग, फिर है टाइमिंग, फिर है आउट ऑफ क्लास वर्क एंड असेसमेंट, फिर है द फॉलोइंग क्लास लेसन प्लानिंग मॉडल्स आर मोस्टली पॉपुलर इन लेसन प्लानिंग, उसमें क्या दिस देयर आर नंबर वन के किंग फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल डिवेलपमेंट, फिर है जी हंटर्स 7 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग एंड द 5 ई लेसन प्लानिंग मॉडल होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है कोर्स एंड यूनिट प्लानिंग, इसमें क्या वंस यू हैव डिटरमिंड द नीड ऑफ लर्नर्स इट इज टाइम टू कंसिडर डिजाइन एंड प्लानिंग देयर द कोर्स, फिर फॉलोइंग आर सम सजेशन टाइम स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, में क्या डिसाइड आर टॉपिक, फिर डिटरमिन ऑब्जेक्टिव, से फिर आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम द डिजायरेबल रिजल्ट, फिर जी डिटरमेंट असेसमेंट, फिर जी डिस्क्राइब डिजाइन लेक्चर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइज मटीरियल द कंटेंट, फिर जी डिवेलप एवेल्यूएशन मैकेनिज्म एवेलेज, फिर इंफॉर्मेशन मार्केटिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन, फिर जी डेली एंड वीकली प्लानिंग, इसमें क्या है जी स्ट्रेंथ स्ट्रेटजीज फॉर डेली एंड वीकली प्लानिंग, फिर जी द फॉलोइंग पॉइंट्स डिमोन्स्ट्रेट व्हाई प्लानिंग इज सो क्रिटिकल टू सक्सेस, फिर जी क्यों प्लानिंग जो क्रिटिकल और सक्सेस की क्यों ये अहम तरीन है, फिर जी प्लानिंग कैन ग्रेटली रिड्यूस योर स्ट्रेस, जो यानी कि प्लानिंग जो आपके स्ट्रेस को कम कर देती है एक टीचर की, फिर जी प्रॉपर प्लानिंग गिव यू द पेन पीस ऑफ माइंड ऑफ नॉलेज ऑफ नोइंग दैट यू हैव फॉलो फॉर्मुलेशन फिजिबल प्लान ऑफ एक्शन एंड दैट योर गोल आर अटेनेबल, यानी कि इसमें यह पता चलता है कि हमारे जो गोल हैं हम उन्हें हासिल कर सकते हैं और ये हमें फिजिबली यानी कि हमें नज़र आ रहे होते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे अपने स्टूडेंट्स को लेके अपने लेक्चर के अंदर, फिर जी प्लानिंग also help you to be prepared for obstacles because parts of the planning process is creating a emergency plan for unexpected problem, yani unexpected problems ko bhi ye solve karta hai planning karna, aage planning serves a way to evaluate your progress as your as you work, yani ki aapka jo progress hai uske hisab se jo hai वो आपको गाइड करते हैं, प्लानिंग योर डेली एंड वीकली एक्टिविटीज विल क्लियरली इन इन इलस्ट्रेट वेदर और नॉट यू आर स्टेइंग ऑन स्केड्यूल, यानी कि प्लानिंग आपको बताया अपने स्केड्यूल के साथ चल रहे हैं डेली और वीकली के हिसाब से या नहीं, ये इसके बड़ा प्लानिंग लेसन प्लान का बड़ा ये फायदा होता है। आगे जी स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग, ये क्या है द प्लानिंग ऑफ क्लास एक्टिविटीज टू बी हैपेंड ईच डे मेक द टीचर इफेक्टिव, यानी कि टीचर जो है वो उसका इफेक्टिवनेस जो है उसको इससे मिलती है, फिर द टीचर गोज थ्रू मैनी स्टेप्स फॉर प्लानिंग लेसन, यानी लेसन प्लान के लिए वो जाता है, फिर 6 स्टेप्स आर गिवन बिलो टू गाइड द टीचर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लेसन प्लान, लेसन प्लान किस तरह से तैयार करें, फिर ईच स्टेप इज कंप्राइज बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चन, उसके सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, जबकि नंबर 1 पे के आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव,
पहले आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव तैयार करें, नंबर टू पे के डिवेलप द इंस्ट्रक्शन, डिवेलप इंस्ट्रक्शन कैसे करें, नंबर थ्री पे के प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़ द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन, द मेन पार्ट ऑफ द लेसन को देखते हुए। फिर है नंबर फोर पे प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कैसे है आपके लेक्चर की, उसे अपने नज़र रखना है, अपने जहन में रखना है। फिर है नंबर फाइव पे डिवेलप अ कंक्लूजन एंड अ प्री व्यू, आपके पास उसका कंक्लूजन और प्री व्यू जो है आपके आपके लेसन प्लान का आपके पास। और नंबर सिक्स पे क्या है, क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम लाइन, आपके पास एक रियलिस्टिक टाइम लाइन होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट समझ जाते हैं, हमारे पास है द लेसन प्लान फॉर्मेट। लेसन प्लान फॉर्मेट क्या है, वो है देयर आर मेनी फॉर्मेट्स फॉर अ लेसन प्लान। वो क्या है, बहुत सारे जो है लेसन प्लान बनाने के तरीके, तौर तरीके हैं। मोस्ट लेसन प्लान्स कंटेन सम और ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर, यानी कि जो है वो नीचे आपके सामने मौजूद है। नंबर वन पे क्या है, टाइटल ऑफ द लेसन प्लान, टाइटल उसके अंदर होना चाहिए। फिर क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ लेसन, टाइम कितना चाहिए लेसन प्लान को करने। फिर लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटीरियल, रिक्वायर्ड मटीरियल क्या होना चाहिए लेसन प्लान। फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिस प्रैक्टिस अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड नॉलेज एंड स्किल्स बाई देम डेमसेल्स, यानी इसमें नॉलेज और स्किल्स जो है सबको जो है खुद पता होना चाहिए कि वो कहाँ बैठ रहे हैं। फिर एनालाइज कंपोनेंट्स, एनालाइज करने चाहिए कंपोनेंट्स को, द टीचर्स रेफर ऑन द लेसन। फिर सच एज वट हैज़ बीन अचीव लर्न और वट नीड इम्प्रूवमेंट, हमें लेसन प्लान के लिए अचीवमेंट और इम्प्रूवमेंट कैसे होनी चाहिए वो सारा का सारा उसमें बनाना चाहिए। फिर आ कंटिन्यूटी कंपोनेंट्स, कंटिन्यूटी कंपोनेंट्स में इट रिव्यू एंड रिलेट्स टू द कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेसन, प्रीवियस लेसन के हिसाब से कंटेंट को जो है आगे लेके जाना चाहिए। तो फिर हमारे लिए यह हमारा चैप्टर नंबर टू अख्ताम पज़ीर होता है, PA का 8601 हमारा कोर्स कोड था। तो मेरे चैनल मोहम्मद सिमला का सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के और भी आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, और मुझे डो में याद रखिएगा।